साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों में हलचल बनी हुई है। इन 5 राज्यों में गोवा भी शामिल है। गोवा के चुनाव को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ ले रहे हैं। ये वीडियो हाल का बताकर शेयर किया गया। इसे शेयर करते हुए यूजर्स लिख रहे हैं कि पीएम के इस भाषण के बाद कांग्रेस के नेता घबरा गए हैं। ये वीडियो हाल का बताते हुए फेसबुक से लेकर ट्विटर पर वायरल है। इस वीडियो की असलियत क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। फेसबुक पर पोस्ट किए गए 3:37 के इस वीडियो में पीएम मोदी कई बार गोवा वासी कहते हैं। ये ईमानदार लोगों के लिए मैं कर रहा हूं जी, देश के गरीब लोगों के लिए कर रहा हूं। मेहनत करके जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको अपना घर मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके घर में बुजुर्गों को अच्छी दवाई मिले, इसके लिए मैं कर रहा हूं। मुझे गोवा वासियों के आशीर्वाद चाहिए। आप खड़े होकर के ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दें, देश देखेगा। ईमानदार लोग, इस देश में ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। इस आधार पर ऑल्ट न्यूज को संदेह हुआ कि यह वीडियो गोवा में दिए गए किसी भाषण का हो सकता है, लेकिन हाल में पीएम मोदी ने गोवा का कोई दौरा नहीं किया है। वो आखिरी बार दिसंबर 2021 में गोवा पहुंचे थे, यानी ये वीडियो हाल का नहीं हो सकता। इसके अलावा वीडियो में दिख रहे लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं, जबकि कोरोना महामारी के बाद सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। इस आधार पर कीवर्ड सर्च करते हुए ऑल्ट न्यूज को 13 नवंबर 2016 का पीएम मोदी के भाषण का पूरा वीडियो मिला। भारतीय जनता पार्टी ने ये वीडियो अपलोड किया था। कैप्शन के मुताबिक प्रधानमंत्री गोवा में कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। 1 घंटे से ज्यादा लंबे इस वीडियो में 59:17 के बाद वायरल वीडियो का हिस्सा दिखता है। पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो अपलोड किया गया था, यानी प्रधानमंत्री मोदी के 2016 के भाषण का क्लिप वीडियो सोशल मीडिया पर हाल का बताकर शेयर किया गया।